इंडिया डायबिटीज कैपिटल है पूरी दुनिया की, लेकिन बाकी कंट्रीज के मुकाबले में हम ज्यादातर खाना घर पे खाते हैं। ऑन एवरेज हम महीने में 6 बार घर के बाहर खाते हैं, यानी बाकी 84 बार हम घर पे ही खाते हैं। अगर हम ज्यादातर खाना घर पे खा रहे हैं तो हम इतना बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम घर को रेस्टोरेंट बना दिए हैं। जितना सऊदी अरेबिया में तेल है उतना तो हम अपने खाने में डालते हैं। जितना हस्बैंड अपने एनिवर्सरी को भूलने के बाद अपनी वाइफ को मक्खन लगाते हैं, उससे ज्यादा मक्खन तो हम अपने ब्रेड में लगाते हैं। पहले केचप लोग केवल फ्रेंच फ्राइज के साथ खाते थे, बट आजकल तो रोटी में केचप और सब्जी में मैगी मसाला डालने लग गए हैं। बहुत पेरेंट्स अपने बच्चे को चॉकलेट हफ्ते में एक बार खाने देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों चौकोस हर दिन देंगे। चौकोस भी तो चॉकलेट ही हुआ। और जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, हम उन्हें टैंग और रसना देते हैं, और फिर आते हैं बिस्किट्स। बिस्किट चाहे अपने आप को जी फॉर जीनियस बुलाए या डाइजेस्टिव, कोई भी बिस्किट में सिर्फ 3 चीज होता है, मैदा, चीनी, पाम ऑयल। बिस्किट का नाम चाहे जो भी हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दिल्ली की आईपीएल टीम चाहे अपने आप को डेयर डेविल बुलाए या कैपिटल्स, आता तो लास्ट ही है। रिसर्च के हिसाब से भारत का पैकेज फूड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनहेल्दी है। एक स्टडी 4 लाख प्रोडक्ट को एनालाइज किया और भारत के पैकेज फूड में सबसे ज्यादा चीनी, नमक, कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट मिला। घर में हम सुबह शाम दिन रात यही पैकेज फूड खाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। डोमिनोज पिज्जा को अगर घर पे खाओगे तो घर का खाना नहीं बन जाता, वैसे ही ये सब प्रोडक्ट्स को घर पे खाने से वो घर का खाना नहीं बन जाता। ये सब को कभी कभार खाओ, लेकिन डेली मत खाओ। घर को रेस्टोरेंट मत बनाओ। घर का खाना ये नहीं, ये होता है। हम हर महीना 84 बार घर पे खाते हैं। आपके पास 84 मौके हैं या तो अपने सेहत को बेहतर या बिगाड़ने की। सिर्फ घर पे मत खाइए, घर का खाना खाइए और अपना लाइफ को बदलते देखिए।